चलिए मैं जोड़ता हूँ अपने पीछे का ट्रैक्टर का जॉन डियर का ये टायर है, मैं इसका पंचर, इसके जो है नट लगा है इसका वाल सहित खोलते हैं। उसके बाद हम इसका टायर भी खोलेंगे, इसको छुड़ाएंगे। पहले इसको हम खोल लेते हैं, इसके जो चकने लगा होता है छुच्छी जिसको बोलते हैं, ये देखिए हम इसको खोल देते हैं। एक इसके छुच्छी लगी होती है, एक वाल, एक बड़ा चकनेट लगा होता है जिस तरीके से वो ट्यूब फंसा होता है। अब हम इसको छुड़ा रहे हैं, टायर को छुड़ा लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा छुड़ाने में ही मेहनत लगती है, ये है छेना और हथौड़ा से हम इसको छुड़ाते हैं। देखिए हमारा छूट गया है टायर, अब हम उधर पलटा कर दूसरी तरफ को भी इसको छुड़ा लेते हैं। दोनों तरफ से छुड़ाना होता है, इसलिए हम टायर लीवर से इसको खोलते हैं। अब ये लगा लिया हमने स्क्रू ड्राइवर पेचकस से, एक पैर से हम दाबें एक पैर से हम खोलते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए खुल गया हमारा टायर। इसमें सिर्फ छुड़ाने का ज़्यादा मेहनत होती है। अब हम इसको उचका कर अपना हवा डालते हैं, हवा डालने के बाद हम पंचर इसको देख लेते हैं हमारा कहाँ पर पंचर है। मैंने हवा भरकर इसको चेक कर लिया है, अब देखिए हमारा छुच्ची के पास में पंचर है, ये निकल रहा है हवा यहाँ से। ये जो है इसके रिम की वजह से इसमें काई लग गई, उसी को धीरे धीरे वो काटता रहा है, इसलिए पंचर हो चुका है। इसका मैं खोल लेता हूँ नट और इसकी हवा निकाल लेता हूँ। हवा निकालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ करेंगे और इसको भी रगड़ लेते हैं हम अपना ट्यूब को अच्छे से रगड़ कर इसको लगा कर सुलेशन, इसकी टिकिया भी लगा देते हैं। ओमनी की टिकिया आती है, ये ओमनी का सुलेशन भी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, हमने इसी का ही प्रयोग करते हैं और इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसको सूखने के बाद 2 मिनट के बाद इसको लगाना है, अब सूख जाना चाहिए सुलेशन को। इसके बाद हम इसको खींच करके दोनों तरफ से ठोक देते हैं इसकी टिकिया को, ताकि ये कभी निकले नहीं हमेशा के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से और भी ठोक देते हैं इसको लोहे से, बाकी मोटा टायर है ट्यूब है इसका। और इसको हम लगा लेते हैं, इसकी छुच्छी चेक कर लेते हैं भी ठीक है, और इसकी जो है काई लगी हुई है, काई की वजह से बहुत ही ज़्यादा इसको पंचर हो चुका है इसलिए। और इसको मैं मोबियल लगा लेता हूँ, ख़राब मोबियल, ताकि ये अच्छे से अब दोबारा यहाँ पे पंचर ना करे ट्यूब को। हमारा ट्रैक्टर चलता रहा है इसीलिए हम इसको लगा लेते हैं। लगा लिया मैंने, इसको छोड़ देते हैं और अब इसको हम इसको ट्यूब डालेंगे इसके अंदर अच्छे से साफ़ करके रिम को। और देखिए हम एक तरफ लकड़ी का गटका छुच्छी के सामने लगा लेते हैं और दबाकर टायर को और अपना छुच्छी लगा लेते हैं। ट्यूब को लगा लिया, इसको चकने छुच्छी का कस देते हैं ये, ताकि रुका रहे, हमें दिक्कत ना मिले, ये अंदर बाहर ना हो बार बार। और इसका लगा होता है हमेशा ट्रैक्टर के पहिए में, ने भी लगा दिया। इसका टायर उठा करके इसको जो लगा था, मैंने लगाया था इसको हटा लिया गटका लकड़ी का गट्टक। अब मैं इसको डाल लेता हूँ, उठाकर थोड़ा उचका लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्यूब डाल लेता हूँ इसी तरीके से, क्योंकि टायर को उचकाने के बाद ये ट्यूब अच्छा आसानी से अच्छी तरीके से पड़ जाता है सीधा, ये दबता नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही डालें, कभी भी डालें, और ताकि हमारा टायर ट्यूब अच्छा सा बैठ जाए, अच्छा लोडिंग लेता रहे काफ़ी दिनों तक। देखिए हम डाल लेते हैं अच्छे से बैठ करके, ये जो अंडियर का है 13 4 28 है, 13 6 28 टायर है, इसको लगाकर हम दाब लेते हैं। और ट्यूब देखिए बहुत ही अच्छा छोटा सा टायर लीवर से हम इसको चढ़ा देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चढ़ाने में नहीं दिक्कत मिलती हमको, इसलिए दिक्कत नहीं मिलती है। थोड़ा हमें जानकारी है इसको, टायर के ऊपर आप लोग खड़े हो जाएंगे
तो आप अपने छोटे से भी टायर लीवर से भी चढ़ा सकते हैं टायर को बहुत ही आसानी से। टायर के ऊपर खड़ा हुए हमारा चढ़ गया और इसके बाद हमें हवा डाल लेता हूँ इसमें, साइड में चारों तरफ पानी भी डाल लिया ताकि हमारा अच्छे से चिपक जाए हमारी हवा टायर। और मैं इसको लगा लेता हूँ, देखिए इस तरीके से नीचे से उचकाना होता है इसको, शावर या टायर लीवर से उचका कर लगा दिया, अच्छे से बैठ गया। और इसका मैं नट लगा लेता हूँ, नट लगाने के बाद इसी को मैं कस लूँगा और हमारा ट्रैक्टर अच्छे से लोड लेता रहेगा, जुताई होती रहेगी। अब आलू का टाइम आ गया है इसलिए हमारी जुताई हमारे यहाँ चलने वाली है 15 दिन। ट्रैक्टर रातों दिन चलते हैं, भैया कस लेते हैं रेंज से, उसके बाद मैं बिल पाने से भी इसका कसूँगा कैसे। अभी छोटी सी राड लगा